तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास एलईडी झालर है जो आरजीबी एलईडी झालर है। आप देख सकते हैं पूरा एलईडी झालर में खुद से बनाया हुआ है और अपने घर पे आप बना सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि ये 220 वोल्ट पे ये वर्क करता है। डायरेक्टली ओरिजिनल बोले तो ये आप बिजली से भी इसको जला सकते हैं। तो दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई इसमें परेशानी नहीं है दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस का जरूरत भी नहीं पड़ता है, बस तुरंत ही बन जाता है। सबसे आसान तरीका बनाने के लिए दोस्तों ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। चलिए हम इसको बनाना बताते हैं दोस्तों आसान ही तरीका से। तो तब तक जल्दी से फटाक से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बनाते हैं झालर को। तो आरजीबी झालर बनाने के लिए हमारे पास वायर का जरूरत पड़ेगा और हीट स्लीविंग का जरूरत पड़ेगा, जो आप देख सकते हैं बहुत सारा हीट स्लीविंग है, और आरजीबी बल्ब का जरूरत पड़ेगा। तो मेरे पास आरजीबी एलईडी बल्ब है जो 50 एलईडी बल्ब का मैं झालर बनाने वाला हूं, और ये एलईडी बल्ब जो झालर बनाने वाले वो 220 वोल्ट पे वर्क करेगा। तो चलिए हम इसको झालर बनाते हैं। तो एक ये बड़ा वाला जो प्लस वाला है इसको बड़ा कटिंग करेंगे और छोटा वाला को थोड़ा छोटा कटिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का सारा बल्ब को हम कटिंग करेंगे जितना मेरे पास एलईडी बल्ब है। सारा एलईडी बल्ब को कट कर लिए हैं और एक लेग को बड़ा रखें, एक लेग को छोटा रखें, माइनस वाला को छोटा रखें और प्लस वाला को बड़ा रखें। सो दोस्तों यहाँ पे हम बल्ब पे वायर कनेक्ट कर चुके हैं और हीट स्लीविंग की मदद से यहाँ पे सेव कर दिए हैं दोस्तों। तो चलिए हम अब इसमें कनेक्ट करते हैं सीरीज, सीरीज में सारा बल्ब को हम, ये हमारा प्लस का पिन है और ये माइनस का पिन है। तो यहाँ पे प्लस जब है तो हमारा यहाँ माइनस का पिन कनेक्ट होगा, ऐसे माइनस का पिन कनेक्ट होगा, प्लस का निकल गया। तो उसी तरह फिर इधर मेरा माइनस का पिन कनेक्ट होगा, प्लस निकल गया। तो टोटल हमको सीरीज पे कनेक्ट करना है, सारा बल्ब को हम सीरीज पे कनेक्ट करेंगे। चलिए हम सारा बल्ब को, जितना हमारा बल्ब है सारा बल्ब को हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे सारा वायर मेरा कनेक्ट हो चुका है आरजीबी बल्ब पे। अब इसको एक एक करके ऐसे हटाना है सारा वायर को। सो दोस्तों देख सकते हैं पूरा बल्ब में 50 बल्ब से ज्यादा 60 बल्ब पूरा मैं यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ। सारा एलईडी बल्ब सीरीज पे कनेक्शन है दोस्तों। तो मेरा कनेक्ट हो गया है, उस लेने पे ये जलेगा। तो इसको सबसे पहले लर्री बनाने के लिए मेरे पास एक वायर है, क्योंकि एक वायर से जलेगा नहीं, इसके लिए दो वायर चाहिए जो यहाँ से कनेक्ट होके लास्ट में जाएगा। और ये देख सकते हैं हमारे पास वायर है, इसको इसमें यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। सो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा वायर कनेक्ट हो चुका है इस वायर को, और इस वायर को यहाँ पे लपेटते हुए पूरा लास्ट तक ले जाएंगे। चलिए हम तुरंत जल्दी से इसको लपेटते हैं।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लपेटते हुए हम यहाँ पे लेते हुए आ रहे हैं, लपेटते हुए आखिरी छोर तक ले जाएंगे इसे ही। तो एलईडी बल्ब, आरजीबी एलईडी बल्ब में हम सप्लाई देने से पहले ये सर्किट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायोड है 4007 चार पीस, और यहाँ पे पीएफ और 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, 155J 400 वोल्ट। तो हम मिलाएंगे सिल्वर, सिल्वर को मिलाएंगे ऐसे, इस तरह का मिला के मोड़ देंगे। दूसरा दो डायोड है वो ब्लैक ब्लैक तरफ मिला के ऐसे मोड़ देंगे। अब हमारा दो बच गया है, सिल्वर और ब्लैक। तो इस तरह का हम मिलाएंगे सिल्वर और ब्लैक को और मोड़ देंगे। तो इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम कटिंग कर देंगे। ऐसे मेरा बन के तैयार हो जाएगा। इसको पीएफ को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे और सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सारा वायर मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। एक बार बता देता हूँ, तो बिजली का वायर आप देख सकते हैं एक पीएफ पे है और एक डायोड पे है, और जो एलईडी का वायर है वो दोनों डायोड से निकला हुआ है। तो अब हम इसको पैक करते हैं दोस्तों। पैक करने के बाद हम आपको जला के दिखाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे इसको पैक कर दिए हैं दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे टेप की मदद से चिपका दिए हैं। अब हम इसको ऐसे तो रख नहीं सकते, तो इसको सेफ्टी के लिए हम इसमें एक पीवीसी का देख सकते हैं पाइप को, पाइप के अंदर इसको डालेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हैं दोस्तों, सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें बिजली दे के और सारा आरजीबी एलईडी बल्ब को हम जला के दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सारा मेरा एलईडी बल्ब जितना है ये ग्लो होने लगा दोस्तों। तो ये देखिए, सारा एलईडी बल्ब मेरा ग्लो होने लगा।